जर्जर इमारत को तोड़ने गए बुलडोजर ने तोड़ा गरीबों का आशियाना। अपना आशियाना टूटा देख गरीबों के पैरों तले खिसकी जमीन। बीएमसी और पुलिस के आश्वासन के बावजूद बिल्डर ने तोड़ा देवी भुवन चाल। पीड़ित रहवासियों ने बिल्डर पर लगाया तानाशाही का आरोप। कांडी वाली पुलिस ने बिल्डर के ठेकेदार के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। कांडी वाली पश्चिम के मथुरा दास रोड पर स्थित देवी भवन चाल की घटना। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में जर्जर इमारतों की एक लंबी फहरिस्त है जिन्हें गिराना वक्त की जरूरत है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जर्जर इमारतों को गिराने की आड़ में अवैध तरीके से जमीन को कब्जा करने की कवायद अपनी चरम पर है। इस इमारत को जरा गौर से देखिए, इसका नाम है शिव महल, जो स्थित है कांदीवली पश्चिम के मथुरा दास रोड पर। इसी इमारत के बगल में मौजूद है देवी भवन चाल, जिस पर बिल्डर का बुलडोजर चल चुका है, जबकि इस चाल को तोड़ने की कोई पूर्व सूचना स्थानीय रहवासियों को नहीं दी गई थी। ऐसा कहना खुद देवी भवन चाल में रहने वाले पीड़ित स्थानीय रहवासियों का है, जिनके आशियाने पर गैर कानूनी तरीके से बिल्डर का बुलडोजर चला है, जिनके सिर से छत बिल्डर के ठेकेदार की एक गलती से छीन लिया गया। उन पीड़ित रहवासियों का कहना है कि कांदीवली पुलिस के साथ साथ स्थानीय मनपा वार्ड के अधिकारियों ने उनसे गुजारिश की थी कि शिव महल इमारत को गिराना है, इसलिए वो सुरक्षा के मद्देनजर कुछ समय के लिए वहाँ से हट जाए। लिहाजा लोग अपने घरों पर ताला जड़कर वहां से हट गए, लेकिन स्थानीय रहवासियों का कहना है कि उन्होंने प्रशासन के आदेशों का पालन किया, लेकिन बिल्डर ने खस्ता हाल शिव महल इमारत को तोड़ने के बजाय देवी भवन चाल पर ही बुलडोजर चला दिया, जबकि लोगों के घरों में मौजूद कीमती सामान भी तहस नहस हो गए। बिल्डर के पास बिल्डिंग तोड़ने के लिए पेपर थे, बिल्डिंग C1 में था। हम लोग ने उसको बोला हम लोग बिल्डिंग तोड़ने में कोऑपरेट करेंगे तुझे, वो भी उसको क्या था कि उसको चाली तोड़ना था, पूरा प्लॉट पे कब्जा करना है। चाली का किसी का भी कंसर्न टर्म उसने लिया नहीं था, किसी की भी अनुमति ली नहीं थी। सब लोग को ज़बरदस्ती बाहर निकलवाया कल, और किसी को अंदर जाने नहीं दे रहे, पतरा पतरा लगा दिया, और सबसे पहला घर तोड़ा है हम लोग का। हम लोग का पूरा चाली टूटा है, बिल्डिंग ऐसे का ऐसा ही है। इसमें कुछ भी हम लोग पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही है। BMC ऑफिसर जाधव सर, उनको भी हम लोग ने पूरा मैटर एक्सप्लेन किया था, लेटर भेजा था, लेकिन वो लोग खुद खाली करवाने आए थे। हम लोग को यहाँ पर कोई हेल्प नहीं मिल रही है। मैं रूम नंबर 7 में रहता हूँ। मेरा वहाँ पे घर था जिसको उन लोग ने बिल्डर ने दबा दिया, ऊपर से स्लैब गिरा गिरा के। वारे मैडम ने बोला था कि आप आ जाइए शाम को 6 बजे तक, आपको वापस घर मिल जाएगा, घर को एक डैमेज नहीं होएगा। डैमेज तो छोड़िए, दरवाज़ा तलक नहीं बचा अंदर। हम लोग का घर बिल्डर ने तोड़ दिया है, डेमोलिशन के बिल्डिंग डेमोलिशन करना था तो उसने चौल कर दिया, और हम लोग जब भी देखने गए अंदर तो उन्होंने पूरा जो हम लोग का घर था वो सब पूरा तोड़ दिया उसने, और उसके जो बाउंसर्स और उसके आदमी लोग थे सब हम लोग के साथ झगड़ा कर रहे थे, और मेरा गला भी पकड़ा था उसने। हमारा घर यहाँ पे है ये कंपाउंड में, जिसका नाम देवी भुवन है। ये हमारी चौल है, 9 स्ट्रक्चर्स है इसमें, 9 घर है, ये हमारी चौल है। और ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं इसका नाम शिव महल है, वो किसी बिल्डर का है जिसका नाम सचिन भट्ट है, उसका पार्टनर नीलेश पुजारी है। ये दोनों ने हमारा घर धोखे से कोलैप्स कर दिया है। इसमें सिनेरियो ऐसा है कि पहले से हमें BMC से 3 बार नोटिस आया, और हम ये बिल्डर को पहले से जानते हैं, हम नहीं ट्रस्ट कर रहे थे, और इसमें BMC के ऑफिसर जाधव वो भी इन्वॉल्व है। हम ये चाहते हैं कि हमारे घर हमें एज इट इज़ मिल जाए, और ये बिल्डर एक्सपोज हो जाए, जो इनका रेपुटेशन इतना अच्छा है, बट पीपल डज नॉट नो कि ये पीछे से क्या है। मयूरी कौशिक भद्रेश्वरा, मेरा घर इधर, ये रूम नंबर 2 देवी भुवन में, उन्होंने पूरा रूम तोड़ दिया है। हम लोग रात से ही यहाँ बाहर ही बैठे हैं। पुलिस चौकी में गए तो वारे मैडम दीपशिका वारे, उन्होंने बोला हम लोग प्रोटेक्शन देंगे, वो भी नहीं दिया है। अभी अभी घर हम लोग का गया है तो क्या कहेंगे इंसान, हम लोग का सब सामान अंदर ही है। उन लोग ने टाइम ही नहीं दिया, आधा घंटे का टाइम दिया खाली। हाँ, सब सारा सामान घर के अंदर सब डैमेज हो गया, कुछ नहीं, खाली 1000 रुपये लेके बाहर निकले हम लोग के खाने खाने के लिए। बोले 6 बजे तुम्हारा घर में तुमको एंट्री देंगे, पर उन लोगों ने नहीं दिया, और रूम पूरा तोड़ दिया, सब सामान। हम लोग रह रहे थे कल दोपहर 12 बजे तक, हम लोग उधर ही थे।
इस घटना के कई घंटे बाद जब मुख्यमंत्री निवास से फरमान आया, तब कहीं जाकर कांदिवली पुलिस ने सीआर नंबर 1408/2022 के अंतर्गत आईपीसी की धारा 451 और 427 के तहत एफआईआर दर्ज की, जिसकी जांच में जुटी है कांदिवली पुलिस। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही कि कांदिवली पुलिस द्वारा दर्ज किए गए एफआईआर में बिल्डर के कॉन्ट्रैक्टर को नामजद किया गया तो बिल्डर को क्यों नहीं। फिलहाल बिल्डर और प्रशासन की तरफ से इस मामले में अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, वहीं मामले की जांच जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवशंकर तिवारी के साथ संजय मिश्रा, इन24 न्यूज़, मुंबई।